अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट मार्च से वो शुरू किया था वजीफा और आप शाजी बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे बेटे का पंद्रह मार्च को वीजा लग गया अमेरिका का USA क्या का क्या बात है यस यस डिड इट अगेन <laughs> बात ये है शाह मैंने आपसे वजीफा लिया था बाहर का बाहर तो का तो मेरा माशा से हो जी अमरीका का यूएसए का जी बोले तो वो मेरा जो ना, वो है ना हो गया उम्मीद भी नहीं थी मैं आपको नहीं सकती। आप तो ये एक पुराना डायलॉग है नाउमीदी कुफर है और कुरान की कुत का किसी को अंदाजा नहीं है मुझे <laughs> अंदाजा नहीं है सब ठीक है सब पढ़ते हैं सब लेकिन कुत का अंदाजा नहीं है असर कुरान मेरे बेटे के वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो पेंडिंग में चला गया था कि वो ब्लैक लिस्ट में है पेंडिंग में डाल दिया था और कहा था कि 20 परसेंट चांस है ऐसे कैसे Hello? चांस है 20 परसेंट यार हम भी बैठे हैं कुरान मौजूद है अल्लाह ताला भी है कोई यानी कि कोई सिस्टम है हद हो गई है जी बोले जी शाह साहब मैं वजीफा कर ही रही थी फिर मेरी सैटरडे को बात हुई और बात पहले मेरा वजीफा था शिक्स टू शिक्स। ठीक है मिनट वजीफा ना बताएं बड़ी मेहरबानी होगी वजीफा नहीं पूछा दे दें किसी वजह से कह रहा हूं। हाँ। जी जी तो बस मैंने कॉल रखी थी तो कॉल आ गए कि वीजा लग गया उसका क्या बात है बस वस... ये मैंने सैटरडे को मेरी बात हुई थी उससे पहले तीन महीने पहले बात हुई थी मैंने बताया था कि बच्चे सैटरडे को अगर आपने बताया था तो वीजा कब लगाए ई वीजा उसी दिन मतलब मैंने कॉल रखी और कॉल आ गई और वीजा आ गई इतनी ही देर, देर का काम होता है इतनी ही देर का काम होता है अब समझ आ, गया में आया सिस्टर मेरी बेटी की आज कॉल आई तो मेरे दामाद का भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वीजा लग गया अमान, अमान का यस डिड इट अगेन 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 एंड अगेन एपिक चार चार दफा हो गया लव इट दामाद का नाम बता दे जी फहद कुरैशी क्या बात है लव इट लव इट अल्लाह ताला यू और मेरे को सबसे ज्यादा जो बार बार हैरानी होती है मैं खुद हैरान रह जाता हूँ जबकि मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ द रिजल्ट ऑफ रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान दिस ये मुझे हमेशा हैरान करता है परेशान भी कर देता है मुझे समझ भी नहीं आता कि क्या बात है यार लव इट टू बिट ठीक है बाजी अल्लाह थे बाकी लोग पीछे रह गए थे जी बोले तो मेरा चार माह बाद मेरे मियाँ और मेरे तीन बच्चे आ गए एक बेटा मेरा पाकिस्तान रह गया और उसने अक्टूबर में अठारह साल का हो जाना था उसका वीजा नहीं लगा उसका टीबी टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा था और इश्यूज थे मैंने सिस्टर जहरा से वजीफा लिया और जिन्होंने हमारा वजीफा ये वीजा अप्लाई करना था वो कहते थे कम से कम छः मंथ आपके कोर्स में बाकी हो तो आपके बेटे का वीजा लग सकता है तो मैं बहुत परेशान थी कि मेरी सारी फैमिली इधर आ गई है बस एक बेटा पाकिस्तान है तो अलहमद ले लिया अलहमदुलिल्लाह सिस्टर ज़ाना ने जो वीजा वो मुझे वज़ीफा दिया उसके बदौलत अ, मेरा बेटे का एक हफ्ते में वीजा आ गया जब हम मैंने अप्लाई किया था कि वो लोग भी कह रहे थे किसका वीजा नहीं लगना कि मेरा कोर्स अगले मंथ कंप्लीट हो रहा है तो है अगले मंथ मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है कि मतलब मेरा कोर्स कंप्लीट होने में 1 महीना रह गया था तो मेरे बेटे का वीजा लग गया यस डिडंट अगेन 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 एंड अगेन एंड अगेन